हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज सीखें एक ठुमरी जिसे लिया गया है 1937 की फिल्म स्ट्रीट सिंगर से। गाया किसने है? किरण सहगल जी ने इस ठुमरी को अपनी आवाज दी है। बहुत सारे अन्य सिंगर्स ने भी गाया है इस ठुमरी को अपने अपने अंदाज में, बहुत ही सुंदर। लेकिन जिस ठुमरी पर हमने नोटेशंस बनाई है इस वीडियो ट्यूटोरियल में, वो है केएल सहगल जी की आवाज में। कहते हैं कि एक्टिंग करते समय जब शूटिंग हो रही थी उस समय उन्होंने इस ठुमरी को लाइव रिकॉर्डिंग किया था गाकर। लिरिक्स किसने लिखे हैं? नवाब वाजिद अली शाह ने इस ठुमरी के लिरिक्स लिखे हैं। उनको अपने किंगडम से, अपने राज्य से एग्जाइल पे कलकत्ता भेजा जा रहा था और तब दुखी होकर अपनी जन्मभूमि को छोड़ते समय उन्होंने ये लिरिक्स लिखी। म्यूजिक दी है आरसी बोरल जी ने। जितने भी ये ओल्ड सॉन्ग्स होते हैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के, उनके साथ कुछ ना कुछ सुंदर यादें जुड़ी होती हैं या फिर कोई ना कोई स्टोरी, इंटरेस्टिंग स्टोरी होती है। यदि आप जानते हैं इस ठुमरी से जुड़ी हुई कोई भी इंटरेस्टिंग बात तो जरूर शेयर करिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। तो चलिए सीखते हैं इस ठुमरी को। ये ठुमरी राग भैरवी पर आधारित है जिसे हम केवल तानपुरा पे ही गाएंगे। तानपुरा है बी स्केल पर सा म सा। बाबुल मुरा सारे गमा 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 मा पगा रे रे सारे सानी नहीं है रे नी सारे छूटो ही जाए ग सारे सा। बाबुल नहीं है रे छूटो ही जाए। सेकेंड टाइम बाबुल मोरा साध नहीं हरे नीसा सारे छूटो ही जाए ग सारे सा। बाबुल मुरा नहीं हरे छूटो ही जाए बाबुल मोरा नहीं है रे छूटो जाए मोरा
नई हरे नी नी सा मोरा नई हरे नी नी सा सा ग ग म म प छूटो ही जाय ग रे रे सा सा चार का हार मिले मोरी डोलिया सजावे मोरा अपना बेगाना छूटो मुरा नहीं हरे छूटो ही जाए अंगना तो नीनी पर्वत भया गगमा मैं चली पिया के देश म गगमा प म गमा प म गमा गर सा सा मैं चली पिया के देश बाबुल मोरा साध पधपा नहीं हर ग पप छूटो पध जा गम प ध म प म मोरा प म प म ध प म ग रे सा नी नहीं हरे नी सा सा रे छूटो
ही जाए ग सा रे सा बाबुल मोरा नैहर छूट जाए मोरा नैहर छूट ही जाए। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया, आपके लिए लाभदायक होगा। जल्दी जल्दी सीखिए, एक एक लाइन को अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पर बजाइए और उससे आप इस ठुमरी के स्वरों को अच्छी तरह जान पाएंगे, मॉड्यूलेशंस को जान पाएंगे, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस ठुमरी से। तो जरूर सीखिए, हम फिर मिलेंगे एक और वीडियो ट्यूटोरियल के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्ते।